जय माता दी, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। एस्ट्रो राम उतार मिश्रा आज हम लेकर आए हैं धनु राशि वार्षिक राशिफल 2025 का। धनु राशि वाले जातक का प्रश्न था, गुरु जी 2025 हमारा कैसा रहने वाला है आप बताइए। धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, जुपिटर आध्यात्मिक जो डिवाइन पावर देने वाले होते हैं, और गुरु जो है वो कभी ना कभी जो है ना सकारात्मक ऊर्जा ही आपको देंगे, नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं देंगे। और अब जानते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखकर सब्सक्राइब करें। धनु राशि वाले जातक कैसे होते हैं स्वभाव में? धनु राशि वाले जातक जो है ना नम्र स्वभाव, क्रोध नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, और समाज सेवा के लिए मन करेगा, भगवान के प्रति ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, श्रद्धा भावना सकारात्मक ऊर्जा इनके अंदर सदा विराज रहेगी। काम के बहुत पंचुअल होंगे, झूठ पसंद नहीं रहेगा, छल कपट पसंद नहीं रहेगा, जो कहना सामने कहना, और काम करने की जो शक्ति है, जो तीव्र गति है, वो भी इनके अंदर जब अंदर से बहुत जल्दी आ जाती है, वो आप काम को कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनका हेल्थ कैसा रहने वाला है। हेल्थ में इनको दिक्कत रहेगी, जैसे पेट में, किडनी में, या कभी कभी लीवर में दिक्कत होने की संभावना बन सकती है। खान पान में विशेष आपको ध्यान देना है, थोड़ा खान पान आप गड़बड़ाएगा, आपका दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपके स्किन में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। अब आपको धन की बात करते हैं, इस साल धन का आगमन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कर्जे भी हैं, वो कर्जे भी आपके चुकेंगे। कुटुंब से, दोस्तों से कुछ आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है, शुभ संकेत मिलने वाला है। कुटुंब से, दोस्तों से आपको ध्यान देना है। आप इस साल बहुत मेहनत करेंगे, बहुत बिजी रहेंगे, अपने लिए या बच्चों के लिए या परिवार के लिए समय भी आप शायद कम निकाल पाए, ऐसी भी संभावना दिखाई दे रही है। और इस साल चार ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि एक साल में चार ग्रह एक साथ नहीं बदलते हैं, इस बार बदल रहे हैं। ये आपके लिए कहीं ना कहीं चमत्कारिक भी है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इसका लाभ मिलेगा। 5 फरवरी से गुरु मार्गी हो जाएंगे, 30 मार्च से शनि मीन राशि में भ्रमण करेंगे, यानी शनि दो जो है ना धनु राशि वालों की मीन राशि में भ्रमण करेंगे 30 मार्च के बाद। तो यानी कहने का मतलब यह है, चतुर्थ का शनि जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा और थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक आपको न्याय दिलाएगा, इसमें सफलता मिलेगी। 15 मई से गुरु जो है ना मिथुन राशि भ्रमण करेंगे, ऐसे में आपके सप्तम में गुरु जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी शादी हो जाएगी। जो आपका प्रेम एक रूठ गया था, आपसे बात नहीं कर रहा था, वो जो कहीं ना कहीं 15 मई से के बाद आपके पास आएगा, चलकर आपसे प्रेम की स्थापना करेगा और आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 18 मई से राहु कुंभ राशि भ्रमण करेंगे, ऐसे में जो है ना आपके लिए पराक्रम में राहु जाएंगे, तो राहु जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से और एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों से जोड़ेगा, विदेश की यात्रा कराएगा, कुछ बुजुर्गों के माध्यम से धन दिलाएगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब आप खुल के नहीं बोल पा रहे थे, आप खुल के बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। 1 अक्टूबर से शनि बकरी हो जाएंगे, बकरी का मतलब यह है कि आपके जन्म में शनि बकरी है तो आपको अच्छा लाभ करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बकरी नहीं है तो कहीं ना कहीं काम को रुकावट लाएगा, फंसाएगा या कर्जा कराने की संभावना बनेगी। और 4 दिसंबर से गुरु फिर बकरी हो जाएंगे, तो गुरु आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छी परिवर्तन होने जा रहा है और बकरी हो रहा है, तो आपके रुके हुए काम धनु राशि वालों के बहुत अच्छे से होंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो 4 ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा, गुरु एक राशि में 13 महीने रहता है, 12 महीने, शनि 2.5 साल रहते हैं, राहु केतु 18 महीने रहते हैं, इनको सफलता जो है ना इस हिसाब से कुंडली में वेचन करते हैं। अब जो है 2025 का जो अंक है 7 है, 7 के केतु होते हैं, केतु मतलब एक ध्वजा पताका का कारक होता है, तो कहने का मतलब है 2025 में आपका झंडा लहरेगा, आपको सफलता मिलेगी। आप लोहे का यदि काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता इस साल कम मिलेगी, आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी जो है खान पान का काम है या आपका मैनेजमेंट का काम है, गवर्नमेंट का है, प्रॉपर्टी का है, बिल्डर का है, और लाइजिंग का जो भी आप काम करते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, सफलता के साथ आपको कामयाबी मिलने दिखाई दे रही है। 4 दिसंबर से गुरु फिर बकरी होंगे तो आपके काम में और ज़्यादा गति आएगी, और कहने का मतलब 15 मई से ही आपको काम शुरू हो जाएगा जिसमें सफलता मिलेगी। आपके जो मित्र राशि होती हैं धनु राशि वालों का, वो सिंह राशि होती है और मीन राशि होती है, और मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों से आपका बहुत अच्छा संबंध रहेगा, बहुत अच्छी आपकी पटेगी, आपकी बनेगी किससे नहीं उसमें आप समझ लें। आपका थोड़ा सा कुंभ राशि सम रहेगा और सिंह राशि से आपकी ज़्यादा बनेगी,
तो ऐसे में आपके लिए मिथुन और कन्या राशि वालों से बड़ा ध्यान देना है, इनसे थोड़ा सा आपका तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। इस दो जो आपके होते हैं हनुमान जी होते हैं, भगवान जो गुरु होते हैं, विष्णुदेव होते हैं, इनकी आप पूजा करेंगे, उनसे आपको सफलता मिलेगी। डिवाइन पावर आपके जीवन में सदा आपको चाहिए और सदा मन में चलता रहता बना रहता है। आप विद्यार्थी हैं, किसी शिक्षा संबंधित में आप कंपटीशन में बैठे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आप खुश रहेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में सपोर्ट करना चाहते हैं, वो खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगे, वो भी 18 मई के बाद से आपके सामने आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आपने कुछ चीज़ें सजाई थी जो करनी थी, 24 में नहीं हुई वो 25 में होंगी। कुछ धन का भी आपका फंसा हुआ था, वो धन भी आपका वापस 24 में आ गया था, 25 में कुछ आ जाएगा। और कुछ आपने बीज बोया था 24 में जो कि वो काटने को पूरा नहीं मिलेगा, तो 25 में आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग में आपको सफलता मिल जाएगी। और कोई नया आध्यात्मिक सामाजिक प्रोग्राम आप कराएंगे जिसमें सब लोग जुड़ेंगे और आध्यात्मिक चर्चा होगी, जैसे कोई बहुत बड़ा सम्मेलन है, कथा है, इस तरह का करने के आपके मन में उमंग आएगी, ऐसा भाव आएगा, उसको आप करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कभी भी आप कोई व्यापार करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, तो मंगलवार को देना है, बुधवार को नहीं देना है, इसका विशेष ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि आपको कर्जा जल्दी नहीं होगा, कर्जा आपका जैसी होगा वो खत्म होते रहेगा कंटिन्यू। तो बुधवार को देना है, मंगलवार को पैसा देना है, बुधवार को नहीं देना है, ऐसा ध्यान रखना है। दूसरा, आप बहुत हेल्थ में दुखी हैं या कोई परेशानी चल रही है परिवार में आप में, तो हनुमान जी की पूजा करनी है आपको, हनुमान बाहु का पाठ करना है। हनुमान बाहु की पाठ करने से या करवाने से पंडित जी लोगों से, ब्राह्मण देवताओं से, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आप स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। जीवन में कभी भी किसी की आप साझेदारी के साथ व्यापार करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, लेकिन फिर भी लास्ट गति तक आप थोड़ा सा सावधानी से काम करना है, क्योंकि कभी कभी काम आपका फंस जाएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं आप सफाई देने में उतने तरीके से आप निपुण नहीं हो पाते जितना आपको होना चाहिए था, हो या होने का समय आता है, तो आप थोड़ा सा उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। कभी भी गुरुवार को आप पीला कपड़ा पहने, उसके पहनने से आपको लाभ मिलेगा। कभी आपका मन करता आपको नज़र लगी है, तो आप गुरुवार के दिन पीला हल्दी लें, पानी में डाल लें, उससे नहा लें, तो आपकी नज़र है वो कट जाएगी, ठीक है। और आपको सदा अपने गुरु का मंत्र जाप करना है, गुरु की आराधना करना है, और जितना आप पूजा पाठ करेंगे, जितना ब्राह्मणों से और साधुओं से प्रेम करेंगे, उनको पूजा कराएंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनको चीज़ें समझेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उतना आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और आप सदा खुश रहेंगे। और इस कुंडली के हिसाब से या राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से हमने आपको बताया। कोई आपका विशेष प्रश्न होता है क्योंकि समय के हिसाब से, तो उस प्रश्न हमारे चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे विस्तार से। और 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं सभी लोगों के लिए, और 2025 आपका बहुत अच्छा जाएगा, यानी 24 से ज़्यादा खुशी आपको 25 से मिलेगी, और आप संतुष्ट रहेंगे। मेन चीज़ क्या होती है कि आप संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, असंतुष्ट हैं तो मन में कहीं ना कहीं खिन्नता बनी रहती है। अपना ध्यान रखें। जय माता दी।